प्रदेश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल और गैस के दाम के खिलाफ कांग्रेस ने फूल देकर अनोखे अंदाज में किया विरोध प्रदर्शन। इस अवसर पर कांग्रेसियों द्वारा लोगों को बढ़ती महंगाई के प्रति जागरूक भी किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब कांग्रेस सरकार थी तब पेट्रोल के दाम 65 रुपए लीटर थे, जब भाजपा कार्यकर्ता एवं बड़े नेताओं ने विरोध किया था, लेकिन अब वही भाजपा सरकार में पेट्रोल का दाम 100 रुपए छूने जा रहा है। पेट्रोल के साथ घरेलू गैस के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में गरीबों को इसकी मार झेलनी पड़ रही है। अगर ऐसे ही दाम बढ़ते रहे तो आम जनता पर बोझ बढ़ेगा। साथ ही डीजल के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण किसानों पर महंगाई का बोझ झेलना पड़ रहा है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आज जो डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेके हमने विरोध प्रदर्शन किया, 2012-13 में जब भाजपा विपक्ष में बैठी थी, जब 65 रुपये डीजल पेट्रोल का भाव था, उस समय उनने सर उठा रखा था कि बढ़ती हुई महंगाई को हम, जब सरकार में आते हैं तो बढ़ती हुई महंगाई को हम कम करेंगे, जबकि हुआ उल्टा। आज पेट्रोल 100 रुपये के समथिंग पहुंचने वाला है और 90 रुपये रेट डीजल के हो चुके हैं। उसी को देखते हुए हमने आज जो आम जन है, जनता की राय ली कि आज डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा क्या? मोदी सरकार ने जो वादा किया है ताकि मैं महंगाई कम करूंगा, वो महंगाई कम करी या ज़्यादा करी, क्या कहना है जनता का? कहना जनता का कहना है कि जब मोदी सरकार में पहुँचे थे तो उस समय उनका मानना था कि मैं डीजल पेट्रोल गैस के भाव कम करूंगा, जबकि हुआ विपरीत और उनने भाव ज़्यादा बढ़ाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।